और बात करते हैं उस जगह की जहां घर बनाने पर आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, परिवार की शांति भंग हो सकती है और आप टेंशन में आ सकते हैं, तो वो कौन सी जगह है? पंडित जी सबसे पहले इसी के बारे में बताएं कि जहां से एक नकारात्मक ऊर्जा मिलती है जिसकी वजह से जीवन में परेशानियाँ आ जाएँ, वो जगह कौन सी है? मनुष्य के जीवन में स्थान का बहुत महत्व है। आप भी महसूस करते होंगे अलग अलग जगहों पर जाने के बाद आपको अलग अलग प्रकार की फीलिंग्स, अलग अलग प्रकार का अनुभव आता होगा। कहीं जा कर के आप शांत हो जाते होंगे, कहीं जा के आप उद्वेलित हो जाते होंगे, कहीं जा कर के आप प्रसन्न हो जाते होंगे, कहीं जा कर के आप निराश हो जाते होंगे। तो जहाँ मनुष्य रहता है उस स्थान का वातावरण भी मनुष्य के व्यवहार पर और उसके भविष्य पर बहुत बहुत प्रभाव डालता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में 10 ऐसे स्थान बताए गए हैं जहाँ किसी को भी रहने से बचना चाहिए। पहला, कभी भी तिराहे या चौराहे के पास वाला घर न तो बनाना चाहिए न तो खरीदना चाहिए। ऐसी जगह पर वास्तु दोष हो सकता है। चौराहे का घर तमोगुण प्रधान होता है। चौराहे के पास वाले घरों में तमोगुण की अधिकता होती है। चौराहे के पास वाले घरों में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है। चौराहे के घरों में गाड़ियों का शोर बहुत आता है जिससे शांति भी भंग होती है। चौराहे के पास वाले घरों में रहने वाले हमेशा उत्तेजित और तनाव में रहते हैं। तिराहा भी वास्तु दोष से पूर्ण होता है। तिराहे के पास रहने वालों को भी तनाव बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा होता है। तो चौराहे और तिराहे पर घर नहीं बनाना चाहिए, ये नंबर एक और नंबर दो हो गया। इसी तरह से हमें 10-30 स्थान पर घर नहीं बनाना चाहिए जो हमारे लिए, हमारे संतान के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अहितकर हो सकता है। आज के कार्यक्रम को अगर आप देखेंगे तो आपको अपना आशियाना बनाने में, अपना घर बनाने में बहुत राहत मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी।